हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर में हो या सोल में हो, सेमेस्टर थ्री के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट ने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो आप लोगों के लिए अब यहाँ चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं इस सब्जेक्ट की, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जो भी यूनिट आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई है, उनके अंदर जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। यूनिट वाइज आपको वीडियोज मिलने वाली है, एक यूनिट की हो सकता है दो तीन वीडियोज मिल जाए, लेकिन सारी चीजें आपको उनमें डिटेल में कवर मिल जाएंगी। जिन नोट्स से मैं आपको ये वीडियो मैं कवर करवाऊंगा, वो सारे नोट्स पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। नोट परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए। 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी जो फ्री नोट्स हैं वो पहले से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो भी फ्री कंटेंट होता है वो आपको वहां अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है आपका प्रोडक्ट डिजाइन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस यूनिट को सबसे पहले देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, सिलेबस में आपके क्या क्या दिया गया है। तो प्रोडक्ट डिसीजन कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइनिंग वैल्यू प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग टाइप, सिग्निफिकेंस एंड क्वालिटीज ऑफ गुड्स, गुड ब्रांड नेम, फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कंसेप्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। इतना कंटेंट आपको कवर करना है इस यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट डिसीजन के बारे में कि प्रोडक्ट डिसीजन होता क्या है। प्रोडक्ट डिसीजन इन्वॉल्व ऑल चॉइस रिलेटेड टू प्रोडक्ट इटसेल्फ, इंक्लूडिंग इट डिजाइन, फीचर्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड पोजीशनिंग। प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर सारी आपकी जो चॉइसेस होती हैं वो कवर होती हैं, जैसे कि आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, प्रोडक्ट के फीचर क्या क्या होंगे, किस तरीके की ब्रांडिंग करनी है, पैकेजिंग और पोजीशनिंग क्या रहने वाली है, वो सारी चीजें आपके प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। दिस डिसीजन इन्फ्लुएंस हाउ द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, मार्केटिंग एंड मैनेज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। और इन डिसीजन से एक प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस होता है कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप करा जाएगा, किस तरीके से मार्केट किया जाएगा और किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल के थ्रू आउट उसे मैनेज किया जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो सबसे पहले कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो वेल थॉट आउट प्रोडक्ट डिसीजन इंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। एक जो अच्छा प्रोडक्ट डिसीजन होगा वो हरदम क्या देखेगा, उस डिसीजन की मदद से जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके जो जो नीड्स और प्रेफरेंस हैं वो मीट आउट हो जाएं, ये ऐसा प्रोडक्ट डिसीजन होना चाहिए। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है इससे। तो इनोवेटिव एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कैन डिफरेंशिएट कंपनी फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। अगर एक इनोवेटिव और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो वो आपकी कंपनी को आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करेगा। फिर ब्रांड इमेज, तो प्रोडक्ट डिसीजन इंपैक्ट ब्रांड परसेप्शन एंड कैन एनहांस और डिट्रैक्ट फ्रॉम ओवरऑल ब्रांड इमेज। एक अच्छा प्रोडक्ट डिसीजन का ब्रांड की परसेप्शन के ऊपर इंपैक्ट होता है, उससे ही किसी प्रोडक्ट की या कंपनी की ब्रांड बनती है या बिगड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया इंक्लूडिंग देयर नेचर, यूजेज एंड टारगेट मार्केट। हियर आर मेन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बेस्ड ऑन प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट के टाइप पर के बेसिस पर प्रोडक्ट को क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहले है हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, आइटम दैट आर फ्रिक्वेंटली परचेज्ड विद मिनिमल एफर्ट, दे आर ऑफन लो कॉस्ट एंड वाइडली अवेलेबल। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, बिना किसी एफर्ट के मिल जाते हैं, परचेज कर लिए जाते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज वगैरह हो गई। और ये जो होते हैं वो लो कॉस्ट होते हैं और हर जगह अवेलेबल होते हैं। फिर आते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट, तो आइटम डेट कंज्यूमर कंपेयर एंड इवेल्युएट बिफोर परचेजिंग। ऐसे प्रोडक्ट जो कंज्यूमर खरीदने से पहले बाकी सारे प्रोडक्ट के साथ, सिमिलर प्रोडक्ट के साथ उसे कंपेयर करे, वो कहलाता है शॉपिंग प्रोडक्ट। दे रिक्वायर मोर एफर्ट इन सिलेक्शन ड्यू टू हायर प्राइस एंड परसीव डिफरेंस। ये जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो ये सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसमें डिफरेंस मिलता है, तो कंज्यूमर इसके सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। फिर आते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन दैट कंज्यूमर मेक
a special effort to purchase. These items are often expensive and have a strong brand appeal. स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जिनकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है और ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन यूनिक होती है और जो कि कंज्यूमर को कुछ स्पेशल एफर्ट लेने पड़ते हैं उन्हें परचेज करने के लिए। ये वाले आइटम होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी ब्रांड अपील भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट आते हैं अनसॉल्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर ड्यू नॉट थिंक अबाउट फ्रिक्वेंटली एंड मे Not actively seek out. These product require significant marketing effort to create awareness. ये जो product होते हैं ये जल्दी purchase नहीं करे जाते, frequently purchase नहीं करते हैं, जैसे कि life insurance हो गया, emergency, car repair, ये सारी चीज़ें, इनको करने के लिए थोड़े significant efforts की ज़रूरत होती है और consumer के अंदर awareness होनी चाहिए। Second type के product आते हैं हमारे based on product type पर, जो हमारे होते हैं industrial product। तो इसके अंदर आपके सबसे पहला आता है मटेरियल एंड पार्ट्स। तो रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें जो रॉ मटेरियल वगैरह और कंपोनेंट वगैरह होते हैं जो कि दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं मटेरियल एंड पार्ट्स। फिर आते हैं कैपिटल गुड्स, मेजर इक्विपमेंट एंड मशीनरी यूज इन प्रोडक्शन, वो इक्विपमेंट और मशीनरी जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ करी जाती है वो कहलाती है आपकी कैपिटल गुड्स। फिर आती है सप्लाई एंड सर्विसेज, तो आइटम एंड सर्विसेज नीडेड फॉर ऑपरेशन बट नॉट पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें जो कि हमें प्रोडक्शन करने में मदद करती हैं लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनती हैं वो कहलाती हैं आपकी सप्लाई एंड सर्विसेज, जैसे कि क्लीनिंग सप्लाई, कंसल्टिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के बेसिस पर दो टाइप के हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल प्रोडक्ट दैट हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पेन एंड आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइफ स्पेन बड़ी होती है और उन्हें हम एक लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट। दे यूजुअली रिक्वायर मोर कंसिडरेशन बिफोर परचेज, और इन्हें परचेज करने से पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दैट आर कंज्यूम्ड क्विकली और हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन, ऐसे प्रोडक्ट जो कि जल्दी कंज्यूम किए जाते हैं और उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत छोटा होता है। दे आर ऑफन परचेज्ड मोर फ्रिक्वेंटली, और इन प्रोडक्ट को हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर सबसे पहले आते हैं टेंजिबिलिटी के बेसिस पर। तो टेंजिबल प्रोडक्ट और इनटेंजिबल प्रोडक्ट, फिजिकल आइटम दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, ऐसे आइटम जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे टेंजिबल प्रोडक्ट। इनटेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं सर्विसेज और एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, ऐसी सर्विसेज और एक्सपीरियंस जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो कहलाते हैं इनटेंजिबल प्रोडक्ट। दूसरा टाइप आता है इसमें कस्टमाइजेशन के बेसिस पर, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेक इन यूनिफॉर्म वे यूजुअली फॉर मास मार्केट, ऐसे प्रोडक्ट जो एक सिमिलर तरीके से बनाए जाते हैं और काफ़ी बड़ी मार्केट के लिए बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट टेलर टू इंडिविजुअल कस्टमर स्पेसिफिकेशन, ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक इंडिविजुअल कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की किस किस टाइप के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के कौन कौन से लेवल होते हैं, तो द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लेवल इन्वॉल्व एनालाइजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल पर्सपेक्टिव रेंजिंग फ्रॉम इट्स बेसिक फॉर्म टू मोर एब्स्ट्रैक्ट बेनिफिट एंड इमोशनल वैल्यू इट प्रोवाइड। एक प्रोडक्ट का लेवल किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, उस प्रोडक्ट को एनालाइज कर कि वो किस तरीके की किस फॉर्म में है और वो क्या क्या बेनिफिट देता है, उसकी क्या इमोशनल वैल्यूज वो प्रोवाइड करवाता है, उसके बेसिस पर एक प्रोडक्ट को लेवल दिया जाता है। हेयर आर डिटेल्ड आउटलुक। सबसे पहले होता है हमारा कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या होता है, द कोर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल बेनिफिट और नीड दैट प्रोडक्ट फुलफिल फॉर द कंज्यूमर। कोर प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो कि एक कंज्यूमर की जो फंडामेंटल बेनिफिट और नीड्स को पूरा करे वो कहलाता है आपका कोर प्रोडक्ट। इट्स द बेसिक फंक्शन और पर्पज दैट द प्रोडक्ट प्रोवाइड, ये क्या होता है, वो बेसिक फंक्शन और पर्पज जो कि एक प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए वो क्वालिटीज, वो कहलाती है कोर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल जैसे स्मार्टफोन, द कोर प्रोडक्ट इज एबिलिटी टू मेक कॉल एंड कम्युनिकेट। स्मार्टफोन में का कोर प्रोडक्ट क्या है कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कॉल मिला सके और दो लोगों को कम्युनिकेट करवा सके। टूथपेस्ट का कोर प्रोडक्ट क्या होगा, मेंटेन ओरल हाइजीन, मतलब एक तरीके से हाइजीन बनाकर रखे, ओरल हाइजीन।
अब इन कोर प्रोडक्ट का पर्पस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रोडक्ट हेल्प बिजनेस फोकस ऑन एसेंशियल वैल्यू प्रोपोजिशन दैट अपील टू टारगेट मार्केट प्राइमरी नीड। कोर प्रोडक्ट को समझकर बिजनेसेस फोकस कर सकते हैं कि जो मार्केट है उसकी प्राइमरी नीड क्या है, उसको किस चीज की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट। द एक्चुअल प्रोडक्ट इंक्लूड टेंजिबल एट्रीब्यूट एंड फीचर दैट प्रोवाइड द कोर बेनिफिट। टेंजिबल एट्रीब्यूट और फीचर जो कि कोर बेनिफिट प्रोवाइड करे वो कहलाते हैं आपके एक्चुअल प्रोडक्ट। दिस लेवल इनकम्पासेस द प्रोडक्ट डिजाइन फीचर पैकेजिंग ब्रांड एंड क्वालिटी। इस लेवल के अंदर हम किसके बेसिस पर डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट को? उसके डिजाइन फीचर पैकेजिंग ब्रांड और क्वालिटी के बेसिस पर। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले डिजाइन द फिजिकल अपीयरेंस एंड यूजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की प्रोडक्ट दिखता कैसा है और उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। दूसरा आता है फीचर्स, तो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। अलग अलग एट्रीब्यूट और फंक्शन जो कि एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर पैकेजिंग, द मटेरियल एंड डिजाइन यूज टू कंटेन एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। वो मटेरियल और डिजाइन जो कि एक प्रोडक्ट को उनको स्टोर करने में और उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करवाता है। फिर ब्रांड नेम, द नेम अंडर विच द प्रोडक्ट इज मार्केटिंग। किस नाम के अंदर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करा जा रहा है, मतलब उसकी ब्रांड क्या है। और फिफ्थ कॉम्पोनेंट होता है क्वालिटी, द स्टैंडर्ड और ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट की किस स्टैंडर्ड किस ग्रेड का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा वही स्मार्टफोन और टूथपेस्ट का एक बार। पर्पस क्या होता है? द एक्चुअल प्रोडक्ट इज डिजाइन टू मीट द कंज्यूमर नीड एंड प्रेफरेंस प्रोवाइडिंग अ टेंजिबल एंड डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग इन द मार्केट। जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो किस लिए डिजाइन करा जाता है? जो कंज्यूमर की नीड्स और प्रेफरेंस हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग हो, उसको मीट आउट किया जा सके, इसलिए एक्चुअल प्रोडक्ट को डिजाइन करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लेवल आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इंक्लूड एडिशनल सर्विसेज और बेनिफिट दैट एनहांस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? वो एडिशनल सर्विसेज और बेनिफिट जो कि एक एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाने में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। दीज आर ऑफन सप्लीमेंट्री एंड प्रोवाइड एडिड वैल्यू टू कंज्यूमर बियॉन्ड द कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं और कंज्यूमर को एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं कोर और एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ में। ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहले आता है इसमें कस्टमर सर्विसेज, तो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड टू असिस्ट कस्टमर बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द परचेज। परचेज करने से पहले, ड्यूरिंग और परचेज करने के बाद कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो हमारी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। वारंटी जो होती है, गारंटी और अश्योरेंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड रिपेयर। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और रिपेयर को लेकर जो गारंटी होती है वो हमारी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होती है। आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं, मतलब सेल होने के बाद में जो जो सर्विसेज उसको इंस्टॉल करवाने की, उसको रन करने की, वो सारी भी हमारी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होती है। फिर डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, तो एडिशनल सर्विसेज रिलेटेड टू डिलीवरी एंड सेटअप ऑफ प्रोडक्ट, ये भी हमारी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आती है। फिर फ्री ट्रायल्स और सैंपल अपॉर्चुनिटीज फॉर कस्टमर टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट बिफोर कमिटिंग टू परचेज। परचेज करने से पहले जो फ्री ट्रायल्स दिए जाते हैं या सैंपल्स दिए जाते हैं कस्टमर को, वो हमारी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के लेवल के अंदर आते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिया, ये आप रीड कर लीजिएगा। पर्पस क्या होता है? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल वैल्यू एंड डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होते हैं वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को और लॉयल्टी को बढ़ा देते हैं उन्हें एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करवा के, और उस प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ लेवल होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो द पोटेंशियल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट दैट कुड बी मेड टू प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है? फ्यूचर के अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट और एनहांसमेंट की जा सकती हैं वो कहलाता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। इट इनकम्पासिस ऑल द पॉसिबल ऑगमेंटेशंस एंड इम्प्रूवमेंट दैट कुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू मीट इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। ये सब वो सारी चीजों को इनकम्पासिस करता है, मतलब पॉसिबल ऑगमेंटेशन, मतलब साथ में क्या क्या फ्यूचर में और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं और प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, वो सारी चीजें इसके अंदर इनकम्पास होती हैं, मतलब इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इनोवेशन, तो फ्यूचर फीचर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट कुड बी एडेड, मतलब फ्यूचर के अंदर एक प्रोडक्ट के अंदर क्या हम एडवांसमेंट कर सकते हैं, क्या फीचर ला सकते हैं, वो इसका पार्ट होते हैं। प्रोडक्ट एक्सटेंशन, मतलब प्रोडक्ट की न्यू वेरिएशन फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट दैट कुड बी डेवलप्ड, कि हम एक प्रोडक्ट की क्या क्या फॉर्म्स और
फीचर्स अलग अलग तरीके के सेम प्रोडक्ट के डेवलप कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका प्रोडक्ट एक्सटेंशन। एनहांसमेंट मतलब एडिशनल सर्विसेज और इम्प्रूवमेंट दैट कुड बी इंट्रोड्यूस। एक प्रोडक्ट में क्या हम एडिशनल सर्विसेज और इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी पोटेंशियल प्रोडक्ट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, तो कंसीडरिंग द पोटेंशियल प्रोडक्ट हेल्प कंपनी स्टे अहेड ऑफ मार्केट ट्रेंड, एंटिसिपेट फ्यूचर कंज्यूमर नीड एंड कंटिन्यूअसली इनोवेट टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एज। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या करता है, हमें कंपनीज को आगे रखने में मदद करता है मार्केट ट्रेंड में, एंटिसिपेट करने में कि फ्यूचर में क्या नीड हो सकती है कंज्यूमर की, और अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली हम इनोवेट कर सकें जिससे हमें एक कॉम्पिटिटिव एज मिल सके, ये इसका पर्पस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेवल ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा डिजाइनिंग वैल्यू प्रोडक्ट मिक्स। तो डिजाइनिंग वैल्यू इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। डिजाइनिंग वैल्यू में हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को इस तरीके से क्रिएट करते हैं और डिलीवर करते हैं कंज्यूमर तक कि जिससे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है वो मीट आउट हो सकें, देयर बाय ऑफरिंग बेनिफिट दैट आर परसीव्ड एज वैल्यूएबल बाय टारगेट मार्केट। द गोल इज टू इंश्योर दैट वैल्यू प्रोवाइड अलाइन विद कस्टमर नीड, एनहांस सेटिस्फेक्शन एंड डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। जो डिजाइनिंग वैल्यू है उसका गोल क्या होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जा सके जिससे कस्टमर की नीड पूरी हो जाए, उनका सेटिस्फेक्शन एनहांस हो जाए और जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट रहे हमारे कॉम्पिटिटर से। अब अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस, कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस को समझने का क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च आती है जिसके अंदर हम कस्टमर सर्वे करते हैं जिसमें हम कलेक्ट डाटा और कस्टमर ऑन कस्टमर प्रेफरेंस नीड एंड पेन पॉइंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है और नीड क्या है और उसको किन किन पॉइंट्स में प्रॉब्लम है। फिर फोकस ग्रुप कंडक्ट डिस्कशन विद ग्रुप ऑफ टारगेट कस्टमर टू गेन इनसाइट इनटू द परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन। हम कुछ कस्टमर्स को चुन लेते हैं, उनके ग्रुप से बात करते हैं कि उन्हें किस किस चीज़ों से प्रॉब्लम है जिससे हमें उनकी परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन के बारे में पता लग सके। फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, तो स्टडी कॉम्पिटिटर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू प्रपोजिशन एंड आइडेंटिफाई गैप इन मार्केट। उसके साथ में हम कॉम्पिटिटर की भी स्टडी करते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किस वैल्यू पर है, मतलब किस पोजीशन पर है और किसकी जगह पर वो लैक कर रहा है जिससे हमें गैप का पता लग सके और हम मार्केट के अंदर गैप को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर सेगमेंटेशंस। कस्टमर सेगमेंटेशंस में डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं, मतलब हम कस्टमर को क्लासीफाई कर देते हैं बेस्ड ऑन एज, जेंडर एंड इनकम। फिर फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं, मतलब हम कस्टमर के लाइफ स्टाइल, वैल्यू और इंटरेस्ट को समझते हैं। उसके बाद बिहेवियरल सेगमेंटेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को कि उसका परचेजिंग पैटर्न क्या है, ब्रांड लॉयल्टी क्या है और प्रोडक्ट का यूजेस क्या है। इस तरीके से हम कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस को समझ सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एक वैल्यू प्रोपोजिशन। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही है, आपकी डिजाइनिंग वैल्यू की, वैल्यू किस तरीके से डिजाइन करी जाती है। तो डेवलपिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई कोर बेनिफिट। अब कोर बेनिफिट में फंक्शनल बेनिफिट, द प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन वैल्यू दैट द प्रोडक्ट प्रोवाइड, मतलब एक प्रोडक्ट है वो हमें किस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है वो आइडेंटिफाई करना। फिर साथ में इमोशनल बेनिफिट, मतलब द इमोशनल रिस्पॉन्स और सेटिस्फेक्शन दैट प्रोडक्ट इवोक, एक जो प्रोडक्ट है उससे इमोशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है कस्टमर को वो आइडेंटिफाई करना। सेकेंड स्टेप आता है क्रिएट अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी, क्रिएटिंग अ यूएसपी। जिस यूएसपी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन की मदद से। तो हाईलाइट व्हाट मेक द प्रोडक्ट यूनिक कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, ये हाईलाइट करना कि आपका प्रोडक्ट में ऐसी क्या फीचर है जो आपके कॉम्पिटिटर से अलग है। फिर पोजिशनिंग करना, क्लियरली डिफाइन द प्रोडक्ट प्लेस इन मार्केट एंड इट्स अपीयर टू टारगेट ऑडियंस। जो आपका प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से डिफाइन करना, एक ऐसी प्लेस पर डिफाइन करना जिससे वो आपकी टारगेट ऑडियंस को दिखे और एक सेपरेट प्लेस पर रहे मार्केट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड फीचर, तो एनहांसमेंट ऑफर एडिशनल फीचर और सर्विसेज दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा वैल्यू। प्रोडक्ट के साथ में एडिशनल फीचर और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए। फिर कस्टमाइजेशन, अलाउ कस्टमर टू पर्सनलाइज द प्रोडक्ट टू बेटर मीट देयर इंडिविजुअल नीड। कस्टमर को अलाउ करना जिससे वो प्रोडक्ट को पर्सनलाइज कर सकें, जिससे उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स है उसे पूरा किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिजाइनिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज।
तो प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर इंश्योर दैट प्रोडक्ट परफॉर्म इट्स इंटेंड फंक्शन इफेक्टिविटी, मतलब प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि जो उसकी इंटेंशन थी क्रिएट करने की उसे वो पूरा कर सके। यूज हाई क्वालिटी मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। हाई क्वालिटी का मटेरियल और हाई क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए जिससे प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी बनी रहे। फिर डिजाइन द प्रोडक्ट टू बी विजुअल अपीलिंग एंड अलाइन द कस्टमर प्रेफरेंस। फिर प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करना इस तरीके से वो विजुअली दिखे जिससे कस्टमर जिस टाइप की कस्टमर की प्रेफरेंस थी उसके साथ वो अलाइन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्विस डिजाइन। तो डिजाइन सर्विस टू डिलीवर अ सीमलेस एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट के साथ में आपको सर्विस को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि वो एक एंजॉयबल और सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा सके आपके कस्टमर्स को। फिर सर्विस टच पॉइंट आइडेंटिफाई ऑल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड सर्विसेज। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर जो आपकी सर्विस है उसमें आप आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करनी चाहिए। सेट प्राइस बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर रेदर देन जस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको प्राइस किस तरीके से डिसाइड करना है कि जो आपके कस्टमर ने परसीव कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस डिसाइड करना है, ना कि प्रोडक्शन की कॉस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको कंसीडर हाउ मच पे कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर द बेनिफिट एंड फीचर प्रोवाइडेड। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका कस्टमर है वो आपके जो प्रोडक्ट में बेनिफिट और फीचर्स हैं उसके लिए कितना पे कर सकता है, इस चीज को ध्यान में रख के भी आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनानी है। नेक्स्ट आपको क्या किस टाइप का प्राइस रखना है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, मतलब अलाइन प्राइस विद कॉम्पिटिटिव प्राइस वाइल हाईलाइटिंग द एडेड वैल्यू और यूनिक फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस आपके कॉम्पिटिटर के प्राइस के एक मतलब एक जैसा ही रखना है, साथ में आपको हाईलाइट क्या करना है कि आप उतने ही प्राइस में क्या एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ये आपको साथ में हाईलाइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइसिंग मॉडल। तो प्राइस हायर टू रिफ्लेक्ट सुपीरियर क्वालिटी और एक्सक्लूसिविटी। अगर आपके प्रोडक्ट में सुपीरियर क्वालिटी है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, तो आप थोड़ा सा हायर प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं। ऑफर प्रमोशन और डिस्काउंट टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। और अगर आपके जो कस्टमर हैं वो प्राइस सेंसिटिव हैं तो आपको उनको प्रमोशन ऑफर करना पड़ेगा, मतलब कुछ एडिशनल चीज़ें फ्री सैंपल्स वगैरह ऑफर करने पड़ेंगे या फिर आपको उन्हें डिस्काउंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है वैल्यू एडिशन में, वैल्यू डिजाइनिंग में इनहांसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको कस्टमर सर्विसेज आता है फर्स्ट स्टेप, प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट टू एड्रेस इशू एंड क्वेरीज प्रॉम्प्टली। आपको प्रोडक्ट के साथ में एक एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना है जिससे जो भी इश्यूज या क्वेरीज हों वो मीट आउट की जा सकें। फिर ट्रेन स्टाफ टू डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विसेज एंड क्रिएट पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द कस्टमर। आपको स्टाफ को इस तरीके से डिजाइन डिलीवर करना है, करनी है सर्विसेज, मतलब आपके जो स्टाफ है उन्हें इस तरीके से ट्रेन करें कि वो सर्विसेज को हाई क्वालिटी सर्विसेज को डिलीवर करें जिससे आपका कस्टमर के साथ में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन क्रिएट हो सके। नेक्स्ट स्टेप आता है यूजर एक्सपीरियंस टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। आपको साथ में किस चीज का और ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो इजी टू यूज होनी चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड भी होनी चाहिए। मेक द प्रोडक्ट और सर्विस एक्सेसिबल टू अ वाइड ऑडियंस। और आपको इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है कि वो एक वाइड ऑडियंस को आसानी से अवेलेबल मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। तो एंगेज विद कस्टमर आफ्टर द परचेज टू इंश्योर सेटिस्फेक्शन एंड एनकरेज फीडबैक। आपको परचेज होने के बाद अपने कस्टमर के साथ इंगेज करना है टाइम टू टाइम, मतलब कम्युनिकेट करना है जिससे आपको उनके सेटिस्फेक्शन के बारे में पता लग सके और साथ में आपको एक फीडबैक भी मिल सके। इम्प्लीमेंट लॉयल्टी प्रोग्राम टू रिवॉर्ड रिपीट कस्टमर एंड फोस्टर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपको अपने जो ऐसे कस्टमर हो जो आपके पास बार बार आते हो उनके लिए कुछ प्रोग्राम डिजाइन करने चाहिए जिसके मदद से आपकी क्या हो सके, एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट हो सके कस्टमर के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कम्युनिकेटिंग एंड मार्केटिंग। सबसे पहला होता है इसमें ब्रांड मैसेजिंग। तो मेंटेन कंसिस्टेंट मैसेजिंग अक्रॉस ऑल मार्केटिंग चैनल टू रिइंफोर्स द वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको अपने जितने भी मार्केटिंग चैनल हैं उनमें हमें लगातार कंसिस्टेंट रहना है अपने मैसेज
डिलीवर करते रहने हैं, कम्युनिकेट करते रहना है कस्टमर के साथ में। यूज कंपेलिंग स्टोरीज टू कन्वे द बेनिफिट एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अपनी वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू को बताने के लिए आपको कुछ स्टोरीज डिजाइन करनी चाहिए जिसकी मदद से आप कस्टमर तक अपनी वैल्यूज को पहुंचा सके, ठीक है। फिर डेवलप एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट रेजोनेट विद द टारगेट ऑडियंस एंड हाईलाइट की वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसको इस तरीके से डेवलप करना है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है और हाई की वैल्यू कस्टमर है वो अच्छे से सेटिस्फाई हो सके आपके प्रोडक्ट से। चूज द राइट चैनल टू रीच द इंटेंडेड ऑडियंस, और अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको एक राइट चैनल का भी यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, जिसमें आपको क्या करना होता है फीडबैक कलेक्शन। तो रेगुलरली कलेक्ट कस्टमर फीडबैक थ्रू सर्वे रिव्यू एंड अदर चैनल। आपको अलग अलग तरीकों से रेगुलरली कस्टमर के फीडबैक को गेन करना है। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट मार्केट ट्रेंड एंड चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस, और आपको इन्फॉर्म रहना है कि मार्केट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं और आपके कस्टमर हैं उसकी प्रेफरेंस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर आपको इलिटरेटिव डेवलपमेंट करना है, मतलब कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट अपडेट द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इमर्जिंग ट्रेंड। आपको फीडबैक जो मिली है उसके अकॉर्डिंग और जो मार्केट में चेंज आ रहे हैं ट्रेंड्स में उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहना है, अपडेट करते रहना है। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू फ्यूचर्स, और आपको लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते रहनी चाहिए जिसके मदद से आप नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारी ये आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो में हमने जितना सारा कंटेंट कवर कर लिया है, होप सो आप सभी को यूजफुल लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।